धम्म की वीडियो बनाइए। धम्म बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि धम्म में कहीं कोई ऐसी मान्यता या कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्यों में जाना पड़े। धम्म बड़ा ही सरल है, बहुत ही सरल और सिंपल है, बच्चों को भी आसानी समझ में आ जाता है। किसी बच्चे को कहोगे कि चोरी मत करो तो उसे समझ में आ जाएगा। उसे कहोगे देखो चोरी करोगे तो मन में कैसा होता है, तो बच्चा कहेगा खराब लगता है। कह रहा यही धम्म है, जो खराब लगता है ना यही धम्म है, और चोरी ना करके कैसा लगता है, अच्छा लगता है। कह रहा यही धम्म है, यही सीखना है। तो झूठ नहीं बोलना है, जब बच्चे को सिखाओगे तो बच्चा सीख जाता है। कह रहा झूठ बोलना बेकार है, उससे मन में याद रखना पड़ता है, परेशानी होती है। झूठ ना बोलना ये धम्म है। तो धम्म का वीडियो बनाना बहुत आसान है। आप अगर धम्म में थोड़ा भी जानते हैं, थोड़ा भी धम्म आपको आता है, तो आप प्राइमरी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो आपके आसपास मोहल्ले में बच्चे हैं या जो आपके दूर दूर तक हैं, उनके लिए ऑडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, या उनके लिए छोटी मोटी किताब बनाइए। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत लोग धम्म को सीखना चाहते हैं पर उनके पास में धम्म की जानकारी नहीं है। अगर आप धम्म में थोड़ा भी अध्ययन करके हैं, तो आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि हम जब पहले बहुत सीखेंगे उसके बाद बताएंगे। ऐसे तो कोई किसी को सिखा ही नहीं पाएगा। जितना आपने सीखा है उतने का वीडियो बनाइए। वीडियो बनाना बहुत आसान है। आप एक ट्राईपॉड, जो मैं यहाँ पिक्चर में दिखा रहा हूँ, वो आप अमेजन से उसको मंगा लीजिए। एक ये जो मोबाइल का होल्डर है, इस होल्डर को मंगा लीजिए। मोबाइल का होल्डर में मोबाइल लगा के और ये ट्राईपॉड में कस के पीछे कोई जैसा भी दीवार है या पर्दा है या कोई प्राकृतिक पेड़ है या कुछ है, वहाँ बैठ जाइए। एक ये बोया का माइक है जो 500-600 रुपये में आ जाता है अमेजन से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको ऑर्डर करें, इसको लगा लें, और आप अपना स्टूल पे कहीं भी, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसे बैठ जाएं। और आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने मोबाइल को, और आपके पास अगर मोबाइल नहीं है तो आप किसी का मोबाइल उधार मांग लीजिए, आपके घर में किसी के पास होगा, और लगा के आप अपना जो ज्ञान है, जो धम्म का आपने सीखा है, चाहे वो 2 मिनट का है या 3 मिनट का है, उसकी एक बार रिहर्सल कर लीजिए, या उसको कागज पर लिख लीजिए कि आपको क्या टॉपिक बनाना है। अपने टॉपिक तक कन्फाइंड रहिए, उसी टॉपिक में रहिए, दाएं बाएं का लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना बताना है उतना ही 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर बैठ जाइए मोबाइल के आगे, ऑन कीजिए और बोलना शुरू कीजिए, और मन से बोलिए, अच्छी तरह से बोलिए। कोई गलती अगर हो जाती है तो वो बात में एडिट भी हो सकती है, ना भी एडिट हो तो लोग समझदार हैं, दोबारा तिवारा में गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। ये वीडियो बनाकर आप इसी मोबाइल पर, एक सॉफ्टवेयर आता है काइन मास्टर के नाम से, KINEMASTER काइन मास्टर के नाम से, या और भी सॉफ्टवेयर हैं जो वीडियो को एडिट करते हैं। इसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं, वीडियो का टाइटल डाल सकते हैं, फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसका रंग चेंज कर सकते हैं, उसकी आवाज़ चेंज कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं। वो बहुत आसान है, आ जाता है। और अगर समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब खोल के, यूट्यूब पर अगर आप टॉपिक डालेंगे तो वो सारी पिक्चर आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे बनता है। बनाने के बाद में आप उसको फेसबुक पर लोड कीजिए, व्हाट्सएप पर लोड कीजिए, और उसको यूट्यूब में लोड कीजिए। लोड करना बहुत आसान होता है, एक दो बार नहीं आता है तो किसी से पूछ लेंगे तो आ जाएगा। यूट्यूब में अगर आपने जीमेल पे एक अकाउंट बनाया हुआ है तो आपका यूट्यूब का अकाउंट ऑटोमेटिक बन जाता है, उसमें आप यूट्यूब लोड कर सकते हैं। आप रोज हफ्ते में एक या हफ्ते में दो या 10 दिन में एक, जितनी वीडियो बनाने की आपकी क्षमता है वो डालिए, और जैसा आपको आता है, जैसा धम्म सीखा है वैसा डालिए। धम्म में करेक्शन होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट 100% परफेक्ट होने की आवश्यकता के इंतजार में ना रहें, क्योंकि छोटे बच्चों को छोटी जानकारी की बहुत ज़्यादा कमी है। बच्चे अभी बुद्ध का नाम भी नहीं जानते, उनको बुद्ध का नाम बताने की आवश्यकता है। जो कहानियाँ भगवान बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहब ने बताई हैं, उनको भी अगर खाली पढ़ पढ़ के डालते रहेंगे, या धम्मपद पढ़ पढ़ के डालते रहेंगे, या किसी का वीडियो देख के उसमें जो अच्छा लगता है उसको रिपीट करके डालते रहेंगे, तो भी धम्म की सेवा होगी। धम्म का देना किसी को सबसे बड़ा देना होता है, सबसे बड़ा दान होता है। आज हमारे पास सुविधा है कि हम वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, दे सकते हैं। ये सुविधा बहुत अच्छी है, क्योंकि 100 आदमियों की धम्म की सभा में आने में, जाने में, इकट्ठा करने में बहुत पैसा लगता है, बहुत समय लगता है, और आप यहाँ बैठे बैठे घर के अंदर और सिर्फ छोटी सी पूंजी लगाकर, एक ट्राईपॉड और एक मोबाइल स्टैंड, एक मोबाइल और एक माइक लगाकर, आप आसानी से धम्म को पहुंचा सकते हैं। जितना धम्म पहुंचाएंगे उतनी धम्म की सेवा होगी, उसका पुण्य आपको मिलेगा। और अगर YouTube चैनल आपका चल गया तो आपको भरपूर पैसा भी मिलेगा,
फेसबुक पे के पेज पर और यूट्यूब के पेज पर लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। मेरी जानकारी में है जिनके तीन तीन चार चार लाख रुपए महीने की आमदनी है, जिन्होंने दो दो तीन तीन मकान खरीद लिए, दो साल के अंदर कारें खरीद ली और स्टूडियो बहुत अच्छे अच्छे बना लिए। मैं तो खैर पैसे के इंतजार में नहीं रहता क्योंकि मैं सब जगह जाता हूँ, मेरा प्रचार का काम है, मुझे शौक है। मगर आप पैसा कमाइए छोटी छोटी वीडियो बना के और बहुत अच्छा काम ये कर सकते हैं। धम की सेवा की सेवा और पैसे का पैसा और आपका जो मन में है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणम्।